भैया मेरा नाम चेतन जहांगीर। देखो यार, आज अपनी एल्टो के अंदर जो कि नंबर प्लेट इंस्टॉल करा के लाए हैं, जो कि यार काफ़ी बढ़िया होने वाली है और काफ़ी मज़ेदार। और इसके अंदर यार देखो कितना क्या अपनी कॉस्ट पड़ी और कैसे क्या लग रही है अपनी एल्टो। अभी देखो, अभी नॉर्मली बात करें तो देखो अपनी एल्टो ये खड़ी है। देखो इसके अंदर नंबर प्लेट की बात करें तो वो कैसी होने वाली, तो आपको बताऊँ तो पहले यार हमें तो सोचा कि एल्यूमिनियम के लगवा लेते हैं, जो कि कंपनी के साथ देखने के लिए मिलती है, जो कि इस प्रकार देखने के लिए मिलती है, देखो इस वाली इस तरीके की। बट यार हमें ऐसी नहीं लगवा करी है भाई, हमारे कॉस्टली पड़ी। देखो ये 600-700 के अंदर लग रही थी। देखो रियल टाइम बताऊँ तो आपको, उसने हमें 1000 रुपये बताए थे, पर हमने डिस्काउंट करा के उसको 800 तक ले आया था। फिर भी 600-700 तक लेके आ गया था आराम से। फिर वो यार लगाने को भी तैयार हो गया था, बट हमने नहीं लगवाई। उसके अंदर यार उनके पास क्या है, नंबर प्लेट बहुत सी पड़ी रहती है। उन्होंने ऐसे बोलते हैं कि इनमें से कोई और नहीं पसंद आ रही है तो आपको इस वैसे चॉइस कर लो आप, तो आपको पसंद आ जाए तो ये वाली लगवा लेना। बट यार हमें तो ये वाली पसंद आई है। देखो ये वाली जो काफ़ी मस्त लग रही है यार, ये वाली नंबर प्लेट ये भाई इसकी यार अपनी आज नंबर प्लेट बन गई है अपनी अल्टो की, जो कि यार आर जो भाई ध्यान में तेरा ढूंढो देखिए कहाँ पर रखी है। ये रही अपनी नंबर प्लेट, ये रही। अब इसको अपन इंस्टॉल करवाएंगे अपनी गाड़ी के अंदर। भाई एक छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ, जो कि यार अभी मैं यहाँ पर बना नहीं सकता, जो कि फिर मैं बना ही रहा हूँ। ये भाई अभी यहाँ पर अभी इसको इंस्टॉल करवाएंगे अपनी बॉयलर तो कही है अपनी यार अल्टो के अंदर। बॉयलर के अंदर भी थोड़ी सी दिनों बाद में ऐसी की ऐसी लगवाएंगे नंबर प्लेट, बट अभी इसी के अंदर अपन इंस्टॉल करवा लेते हैं। देखिए ये अपन सुरेश प्रजापति रेडियम आर्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, जो कि यार नंबर प्लेट भी बनाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की नंबर प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यार ये रही एक तो सबसे बढ़िया मेरे को ऐसी लगी थी, इस प्रकार की नंबर प्लेट बनी है अपनी। ये वाली घटिया लगी थी मेरे को, ये वाली बढ़िया लगी थी, ये वाली इस डिज़ाइन के बनवाए नंबर प्लेट भाई। अरे सुरेश आठ रेस तो भाई सही नहीं रहती, बट मेरे को तो ये वाली अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, मैं तो यही वाली बनवाया हूँ। ये रॉयल एनफील्ड की देखने के लिए मिल जाती है, बट अपन तो कार की बनवाए हैं, जो कि यार बढ़िया है अपने लिए। तो ये काफ़ी मेरे को बेटर लगी ये वाली, तो फिर मैं इसी को बनवा लिया यार। अभी अपन बात करें ना तो देखो अपनी एल्टो के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, थोड़ा सा वो और बन जाएगी अपनी वीडियो। देखो बनाता अभी रेगुलर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर भी वीडियो, बट यार अपनी बन जाए देखो एक बार। थोड़ा भैया बिजी है लगाने में दूसरे की नंबर प्लेट, बट अभी भी अपनी भी लगा देंगे, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अब इसको लगाएंगे इंस्टॉल करेंगे इसे थोड़ी देर में। अभी स्क्रू में कैसे ली गई अब यार, ये अभी स्क्रू के अंदर ही कैसे किए हैं, कैसे कैसे सही थी दूसरे चिपका देते नंबर प्लेट में, स्क्रू पे रह ली के चिपका लिया नंबर प्लेट। स्क्रू ही लगेंगे चिपके के चिपकने से रुकेंगे यार। इसके अंदर अभी स्क्रू लगाएंगे, देखो निकाल कर बड़ा है तो पूरा इधर का ट्रायल हो गया भाई तेरा। 355 का सर, कितना 355 के आसपास अभी बड़ा है। अभी स्क्रू लगाएंगे फिर यहाँ पर डायरेक्ट बॉडी के अंदर लगाएंगे बम्पर के अंदर एल्टो के, जो कि यार अभी आ रहे हैं भैया थोड़ा बिजी चल रहा है, अभी ड्रिल मशीन से स्क्रू लगाएंगे अभी यार। मेरा मोबाइल और नया एप्पल का जो इसके अंदर बनानी पड़ रही है मेरे को। उधर दुकान का है अभी इसके क्या है होल के थोड़ा मोटा कर रहे हैं अभी, अभी फिर इसको होल निकाल कर दोनों के अंदर इसी प्रकार से निकालेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे के जाती। और बाकी कल वीडियो शूट होगी यार अभी नाइट में, तो यार फाइनली अपने होल हो चुके हैं, जो कि अभी इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं यहाँ पर। डर क्या लागो यार। हाँ तो ये पहले इंस्टॉल हो रही है अपनी पहली नंबर प्लेट,
दिखने में अच्छी लगनी चाहिए बस, नंबर प्लेट और कुछ ही नहीं है। बाकी जैसे वही है जी, ऐसे ही है बाकी जैसे वही। टेढ़ी लग रही है क्या? और वैसे सही भी नहीं लगी मेरे हिसाब से ये, क्योंकि ये थोड़ी इधर आती, इधर देखो ज़्यादा स्पेस हो गया, इधर बिल्कुल ऐसे हो गया। उसके अकॉर्डिंग हो गया तेरे अकॉर्डिंग। आगे की होगी तो आगे की होगी तो आगे लगे। इधर यार थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया ना, बिल्कुल मत होगा यार। पीछे वो चेक करके आ रहे हैं, फिर अभी वापस कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली यार अपने यार नंबर प्लेट इंस्टॉल हो चुकी है, पर यार इसके अंदर एक गड़बड़ सी आ गई है देखो यहाँ से। अब इसको यार कोई उठा के ऐसे खींच लेगा यार, बताओ यार। ऐसी गड़बड़ सी देखने के लिए अपने को फेस दी गई इसके अंदर। और तो अपनी वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे, तो आप यार उस वीडियो को देख लियोगे, देखो वो क्लिप देख लियोगे, जो कि यार उसके अंदर काफ़ी देखो लगाना काफ़ी तो आसान है, बट यार इसको बनवाने ऑर्डर देना पहले अपने को एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है इसके नंबर प्लेट को। और अपने देखो नंबर प्राइसिंग की बात करें तो ये काफ़ी इतनी महंगी भी नहीं है, बस ठीक ठाक है अपने लिए। बेसिकली बात करें तो काफ़ी सस्ती भी है यार, और काफ़ी बढ़िया भी दिखती है यार ये नंबर प्लेट। अपन ऐसे सोचेंगे कि यार ये नंबर इसके ऊपर जाते हैं, मतलब उखड़ टूट के गिर जाते हैं, ऐसे कोई देखने के लिए नहीं मिलता। देखो हमें भाई आगे से बात करें तो काफ़ी बेटर देखने के लिए मिलती है हमें ये वाली नंबर प्लेट। तो मैं बताऊँ तो आगे से कैसे लग रही है इसकी नंबर प्लेट, तो बात करें तो ये देखो भाई आगे से भी काफ़ी अच्छा लुक देखने के लिए मिल जाता है इस नंबर प्लेट से गाड़ी के अंदर। और अपन बात करें तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये नंबर प्लेट टूट के गिर जाएगी ऐसे है वैसे है, बट यार उसने पहले बताऊँ क्या किया था कि ये देखो अपनी नंबर प्लेट है बेसिकली है ना, तो उसने क्या है ये छेद है ना ये वाले होल, ये थोड़ा इधर की तरफ निकाल दिया था पीछे वाली नंबर प्लेट के, पीछे के यार बदल गई थी आपस में दोनों, पीछे वाली और आगे वाली, ये एक नंबर प्लेट है ना इधर की तरफ ज़्यादा निकल गई थी ऐसे की ऐसे, तो फिर ये आसानी से आ रही ऐसे कुछ हो रहा था ऐसे कि टूटने का डर ज़्यादा रह रहा था। फिर मैं उसको वापस सेट करवाया, पीछे खोल के आगे लगवा दिया, आगे की खोल के पीछे लगवा दिया, काफ़ी सेट हो गई, अब आगे काफ़ी बेटर लग रही है। अब इसके अंदर यार देखो ये वाला देखो, इसके अंदर ऐसे जॉइंट करके चिपकाया जाता है, पता नहीं यार किस प्रकार से चिपकाया जाता है इसके अंदर, बट यार अपने लिए तो काफ़ी बेटर है। पर अभी अभी आप ऐसे सोचते होंगे कि यार इसके अंदर ये देखो ये टूट जाते होंगे, जैसे कि ये आर लिखा हुआ है तो आर यहाँ से टूट जाएगा ऐसे वैसे, ऐसे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता हमें, बिल्कुल नॉर्मल ही है भाई ये। जैसे कि अभी ये कुछ भी अगला गारंटी दिया है कि ये ना उखड़ जाए ना तो मैं आपको फ्री में दूंगा नंबर प्लेट, ऐसे ऐसा कुछ उसने दावा भी किया है देखो रियलिटी में तो। और ये भाई बढ़िया भी, इससे अच्छा खासा लुक भी देखने के लिए मिल जाता है अपनी एल्टो के अंदर, और काफ़ी बेटर, सबसे ज़्यादा बेटर तो मेरे को इसका ये लगा है एंडी, जो कि यार काफ़ी मस्त दिखता है यार इसके अंदर नंबर प्लेट के अंदर, दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाता है आगे और पीछे एज इट इज़ नंबर प्लेट सेम देखने के लिए मिल जाती है इन दोनों के अंदर। अपन बात करूँ तो देखो पीछे से भी सेम एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाती है नंबर प्लेट ये INDA वाला। तो यार मैं पर्सनली आजकल तो ज़्यादातर यही ट्रेंड पे चल रहा है इसके अंदर, तो मैं बताऊँ तो आपको देखो यार इसके अंदर पीछे की तरफ भी देखो जैसे जैसे INDA लिखा हुआ है, और ये काफ़ी यार लुक अच्छा मिल जाता है इसके अंदर देखो। पर यार इसके अंदर ये स्क्रू लगाने वाला सिस्टम है ना मेरे को ख़राब लगा, ये जैसे कि स्क्रू लगाया है इन्होंने वो मेरे को थोड़ा ख़राब लगा। और पर्सनली बताऊँ तो यार वाइट नंबर प्लेट देखो काफ़ी गंदी भी हो जाती है, देखो अभी अभी ये काफ़ी गंदी दिख रही होगी आपको, बट यार इससे अच्छा है कि आप मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एल्यूमिनियम की ना लगा कर ये वाली लगवाइए, काफ़ी अच्छी भी दिखती है। और बात करें तो देखो फ्रंट से, फ्रंट के अंदर भी काफ़ी अच्छा लुक देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊँ तो देखो आपको मैं फ्रंट से बताऊँ तो इसके अंदर यार काफ़ी बेटर लुक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी दिख रही है यार अपनी एल्टो, पहले से काफ़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है, और यार काफ़ी शानदार लुक प्रोवाइड हो जाता है अपनी एल्टो की तरफ यार, क्योंकि अपनी गाड़ी ज़्यादातर है ना जनरली बात बताऊँ तो अपनी नंबर प्लेट से ही शानदार दिखती है। अभी आपको मैं बोलेरो की बताऊँ तो बोलेरो यार अपनी इतनी कोई खास तो दिख रही नहीं है देखो, ऐसे बेसिकली अभी ये वाली नंबर प्लेट उठा के यहाँ पे लगवा दें तो काफ़ी शानदार लुक देखने के लिए मिल जाता है अपनी बोलेरो के अंदर भी, बट इसको भी चेंज करवाएंगे। बट बस यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बात करें तो यार अपने को पड़ी कितने की, यार मैं बताऊँ तो उसने 1800 रुपये मांगे थे अपने से, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा थे अपने लिए तो भाई। और अपन बात करें ना देखो अपने अपन को इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है जो कि यार 1800 रुपये आसानी से उसको पे कर दे, बट यार उससे कम करवा के हमने 1250 के अंदर इंस्टॉल करवाई थी नंबर प्लेट, जो कि यार काफ़ी अच्छी है देखो, लुक के अंदर भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है यार। अपन बेसिकली बात करें तो इसकी इससे अच्छा बोलेरो लग रही है ना ये एल्यूमिनियम वाली से, तो काफ़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है, और काफ़ी लुक अच्छा देखने के लिए मिल जाता है अपनी एल्टो के अंदर। और यार इसकी यार ज़्यादातर लुक है ना गाड़ियों के अंदर, एक तो नंबर प्लेट जैसे पंजाब की नंबर प्लेट कुछ ज़्यादा ही फेमस रहती है यार, वो छोटी सी छोटे छोटे अक्सर, और यार वो पंजाब वाले लगवाते भी कर। बेसिकली अपने बात करें तो यार ज़्यादातर अपनी गाड़ियों के अंदर कौन सी नंबर प्लेट देखने के लिए मिलती है, जो मैं बताऊं तो आपको देखो ये एल्यूमिनियम वाली देखने के लिए मिलती है, पर मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड यह करूँगा कि आप ए सी डलवाए बाद के अंदर चेंज करवाए, तो आप तभी आप बताऊँ तो आपको ए सी की ए सी आप
इंस्टॉल करवाना भाई, शानदार लुक देखने के लिए मिलता है आपको, ज़्यादा कोई पैसे भी खर्च नहीं होता और ऐसे कि ऐसे शानदार लुक देखने के लिए मिल जाता है। और भाई ज़्यादा पैसे तो खर्च कहाँ हो रहे, ज़्यादा कि 4-5 हज़ार की नंबर प्लेट आए, ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिले, जो कि यार अपने को इसके अंदर देखो बेसिकली ऐसी वाली नंबर प्लेट मेरे को तो ज़्यादा अच्छी लगी, पर आप भी इंस्टॉल करवा सकते हो, उससे ज़्यादा तो पैसे है नहीं, देखो 1250 के अंदर क्या जान लोगे अगले की। अभी मैं बात करूँ तो हमने लगवाई कहाँ से नंबर प्लेट, हमारे आस पास में था एक नंबर प्लेट वालों, यार काफ़ी देखो यार छोटी सी दुकान थी, कोई ज़्यादा बड़ी दुकान तो थी नहीं उसकी शॉप यार, और उसने काफ़ी सस्ती भी लगवा दी, और यार उसको चाहिए था क्या है, बस अपनी गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट अच्छी लगनी चाहिए बस, और यार अपने को क्या मतलब है छोटी है बड़ी है दुकान, नंबर प्लेट अच्छी दी बना के दिए उसने अगले ने, बस यार थोड़ी सी वो आगे पीछे लगाने में कन्फ्यूज़ हो गया था, और उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई थी, उसके लिए हुआ तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई देखने के लिए यार। और अपने को चाहिए क्या यार, नंबर प्लेट अपन को अच्छी लगा के दे दिए उन्होंने, चाहिए क्या, बंदा अच्छा था, व्यवहार लायक आदमी था, और चाहिए क्या, बस इसके अंदर तो एक ही मेरे एडवांटेज लगा जो कि यार इसके ये है, डिसएडवांटेज तो एक ही लगा इसके अंदर जो कि ये है, ये यार कीचड़ के अंदर बिल्कुल ख़राब दिख रही है, देखो यार इससे तो अच्छा देखो मैं वाइट कलर ज़्यादा इसके अंदर ख़राब देखने के लिए फेस हो रहा है, मैं देखो वाइट और ब्लैक दोनों गंदे हो जाते हैं तो काफ़ी बेकार लगते हैं, और कोई गाड़ी होगी ना और कोई ले लो यार, ज़्यादातर देखो वाइट ही रहता है पीछे देखो बैकग्राउंड के अंदर, जो कि यार अभी बिल्कुल ख़राब दिख रहा है, गंदी हो रखी है कीचड़ के अंदर, देखो क्या हालत हो रही है अपनी नंबर प्लेट की यार, जो मेरे को इसके अंदर साइड इफेक्ट ये लगा देखो इसका एक, तो और तो कुछ भी नहीं है देखो, साइड इफेक्ट तो क्या ही है, डिसएडवांटेज है अपना एक इसके अंदर यही है, नहीं तो कोई बस्ती है भाई इसके अंदर, अपन बेसिकली दूसरी नंबर प्लेट लगवाए तो यार उसके अंदर एक कवर इंस्टॉल और करवाना पड़ता है, जो कि 200-250 रुपये के आसपास आता है, जो कि नॉर्मल आता है, जो कि अभी इसके अंदर अपनी बॉलर के अंदर इंस्टॉल हो रखा है, जो कि 250 रुपये वाला है, 250 के अंदर दो देखने के लिए मिल जाता है हमें कवर ये वाले। अब इसके अंदर देखो आप 800 रुपये के लोगे सादा नंबर प्लेट, फिर 200 के ये लगवाओगे तो वही बात है 1000 रुपये की पड़ रही है, और अपन बात करें तो देखो ये बस्ती भी है, फिर अपन बिना कवर के लगवा लेते हैं, जैसे कि अपनी ग्लेंजा के अंदर लगवा रखे हैं तो वो काफ़ी बस्ती भी है यार वाइब्रेशन पर यार अभी ये बस्ती भी नहीं है देखो, नॉर्मल ही है अपनी, और यार इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर नहीं तो कोई कवर लगाने को मिलता है हमें, ना ही कवर के पैसे बर्बाद होते हैं अपने, बेसिकली ये कि ये इसको लगवा लो और काफ़ी शानदार लुक, ज़्यादा तो मेरे को ये यार इसकी बाउंड्री से अच्छी लगती है, ब्लैक बाउंड्री दे रखी है ना इसके अंदर, वो काफ़ी लुक अच्छा देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक बाउंड्री से, और काफ़ी बेटर देखने के लिए मिल जाता है, और मैं बताऊं तो दोनों की तरफ सेम एज इट इज़ भाई, लुक ही शानदार इसी बाउंड्री की वजह से आ रहा है और किसी की वजह से नहीं आ रहा। अभी बात करूँ तो देखो आगे से बताता हूँ, देखो आपको मैं लुक ही इसी की वजह से आ रहा है, देखो बेसिकली लुक ही इसकी वजह से देखने के लिए मिल रहा है हमें, जो कि यार काफ़ी बेटर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यार आज की वीडियो वन प्लस के मोबाइल से शूट हो रही है, रोजाना आईफोन से होती है, देखो ये वाली वीडियो वन प्लस के मोबाइल से शूट हो रही है, रोजाना आईफोन से होती है, बट कोई नहीं अपने को मोबाइल से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, वीडियो क्वालिटी से भाई, और काफ़ी लुक अच्छा देखने के लिए मिल रहा है अपने लिए, तो बस इतना ही वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करो यार, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए तो बस इतना ही था यार।